गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनोन है फोटोकेमिस्ट्री के। आपको इसका आइडिया होना चाहिए क्यों होता है। ठीक है, मतलब फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस क्या होता है, नंबर एक ये पता होना चाहिए, और क्यों होता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एवरीडे लाइफ वाले, जिसमें फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस आपको दिखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस का जनरल आइडिया। आपको एक चीज़ पता है कि जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड अप होते हैं। ठीक है, जैसे ही उन पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉनों को हमने विजिबल या यूवी रेडिएशन दिया, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट वो अनस्टेबल रहता है, तो कुछ टाइम बाद वो फिर से ग्राउंड स्टेट में लौटता है। अगर एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन तुरंत बहुत ही कम टाइम में ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, परंतु यदि एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम बाद ग्राउंड स्टेट में लौटता है, मतलब कुछ टाइम लेता है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, अब जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, एक होती है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अगर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौट गया तो वही फिनोमिनन होता है फ्लोरेसेंस। ठीक है, पर अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो वो जो फिनोमिनन होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देखो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। हमारे पास ये है ओवरऑल दो एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको मैं पहले दिखा देता हूँ। हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर पेयर्ड अप है। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। आपको जब लोग उसके डायग्राम देखा है तो क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था वहाँ पर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या करा, रेडिएशन दे दिया इक्वल टू एच न्यू दे दिया, रेडिएशन दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक इसमें से एक नीचे रह गया, एक एक्साइट होकर ऊपर चले गया। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि भाई कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो रहा है उसकी स्पिन पैरेलल हो, इसी की तरह ही हो, मतलब ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एस आ रहा है प्लस आप प्लस आप, तो एस इक्वल टू 0। अगर मल्टीप्लिसिटी निकाले इस पर मल्टीपल 2s+1 फॉर्मूला होता है तो क्या होगा, 2 × s कितना है, 0+1, तो इसको क्या बोलेंगे, 1। ठीक है, क्योंकि एक्साइट कर दिया है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, सिंगलेट सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सॉरी एक्साइट हो गया है तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और यहां पर अगर एस निकालें तो प्लस आप तो कितना आ रहा है, 1। यहाँ पर अगर मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × s कितना है, 1+1 = 3। 3 को क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है तो क्या बोलेंगे, एक्साइटेड, सॉरी लाइट गई एक मिनट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये क्या हो गई, देखो यहाँ पर एस प्लस आप तो 1 हो गया, 2s+1 से मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो कितना आया, 3, 3 आया तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तब मैं बोल रहा था कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो दो टाइप की हो सकती है, यहाँ पर एक होती है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, एक ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर, ये क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड इट से स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक
ठीक है, ये तो एक्साइटेड स्टेट समझाने के लिए था। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, ग्राउंड स्टेट से रेडिएशन लिया उसने, ठीक है, कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, और कौन सी एक्साइटेड स्टेट में, सिंगलेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, यहाँ गया, ठीक है, फिर वो फिर लौट आया कहाँ पर, फिर से ग्राउंड स्टेट में लौटा। तो अभी क्या करा इसने, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे उसने क्या कर, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था, तो अब यहाँ पहुँचे थे। अब जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया उसको इमिट करेगा, मतलब बाहर फेंकेगा, और अगर वो इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन इज वेरी फास्ट, अगर रेडिएशन का जो इमिशन है वो अगर बहुत फास्ट हो, 10^8 सेकेंड में इतना, ठीक है, लगभग लगभग इसका जो टाइम होता है 10^-5 to 10^-8 सेकेंड में क्या होगा कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस क्या है, सेम ही, ग्राउंड स्टेट में है, रेडिएशन लिया इसने, ठीक है, तो कहाँ पहुँचेगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और वहाँ से फिर से इमिशन करा रेडिएशन का, इमिशन का, रेडिएशन का इमिशन गया बट स्लो, स्लो इमिशन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस, कम से कम कितना, 10^2 से 10 सेकंड के बीच में, ठीक है, इमिशन किया थोड़ा स्लो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर ग्राउंड स्टेट में लौट गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, क्लियर है। ग्राउंड स्टेट जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को फास्ट रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आता है तो फ्लोरेसेंस, ठीक है, अगर एनर्जी को स्लो रिलीज करता है, इमिट करता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। अब देखो इसको, ये तो समझ में आ गया कि फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस क्या होते हैं, अब हमको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस क्यों होते हैं, मतलब कि इतना टाइम, किसी में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, किसी में टाइम बहुत कम लग रहा है, तो ये क्यों है, ठीक है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। देखो यह है मॉलिक्यूल, समझना थोड़ा सा, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, यह है मॉलिक्यूल हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है, इसको मान लिया मैंने ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, सॉरी ग्राउंड स्टेट, और आपको पता है ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर, ठीक है, मैं इसको पूरा आपको अच्छे से डायग्राम के साथ में समझा रहा हूँ, हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज पेयरिंग है, तो एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो स्पिन कैसी होगी भाई, ऐसे, सिंपल बात है, ऐसे घड़े की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इक्वल टू एस न्यू, इसको रेडिएशन दे दिया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, ठीक है, सपोज करो यहाँ चले गया, यहाँ दो बना देता हूँ यहाँ में, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ चले गया, चलो मान लें कि यहाँ गया, तो क्या करा, ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके यहाँ जा सकता है, कम एनर्जी अब्जॉर्ब करके यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सिर्फ, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसकी स्पिन कैसी है, अगर ये गया तो उसकी स्पिन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे को ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर कोलिजंस होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे मॉलिक्यूलर कोलिजन से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हायर एनर्जी स्टेट में गया है वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, एनर्जी लॉस करने के बाद वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वो यहाँ तो जो एनर्जी लॉस की कोलिजन से की थी, ठीक है, रेडिएशन तो यूज नहीं करा, अब वो क्या आएगा, वहाँ से
नीचे आ जाएगा यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में, मतलब यही आप कह सकते हो, ठीक है। अब इसने रेडिएशन को रिलीज करा, इक्वल टू एच न्यू जो हम कह रहे हैं, इसने रेडिएशन को इमिट किया, और इमिशन कितना जल्दी किया, 10^5 से 10^8 सेकंड के बीच में, बहुत ही जल्दी इसने रेडिएशन को इमिट किया, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस कब बोलेंगे, जब एस्ट्रोनॉट मान लिया हमने, जब कहाँ से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये फ्लोरेसेंस है, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लोरेसेंस, कितना फास्ट हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम देखें यहाँ से, ये एनर्जी यहाँ पर है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर को बनना भूल गया था, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया, यहाँ गया, मतलब एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब की यहाँ से यहाँ जाने में। अब देखो लौटा कहाँ से कहाँ पर, यहाँ से यहाँ लौटा है, मतलब कि जो एनर्जी होगी, जब एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की, पर जब इमिशन किया तो उस टाइम एनर्जी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की, जब ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटा तो वहाँ पर एनर्जी गैप बहुत कम है, और एनर्जी कम है तो ज़्यादा वेवलेंथ, ठीक है। ये रिलेशन समझो, इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन क्या होता है, लेमडा, ठीक है। अगर एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, ठीक है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। देखो पहले यहाँ से यहाँ गया तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की उसने, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब की वो ज़्यादा थी, जब लौटा तो वो एनर्जी कम थी, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब इज ग्रेटर देन एनर्जी इमिट, यहाँ से यहाँ आने में इमिट, ठीक है। ये तो हो गया एनर्जी के टर्म्स में, अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें, एनर्जी एब्जॉर्ब ग्रेटर है, तो अब क्या होगा, देखो जब यहाँ से यहाँ लौट रहा है तो कम एनर्जी इमिट कर रहा है, इसका मतलब कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं, और यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पर वेवलेंथ कम होगी, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड ठीक है, इसमें लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, और क्या होगा जो इमिटेड वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये देखो ये एनर्जी कैप कम हो तो जब लौट रहा है इमिट कर रहा है तो वहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या सकता है, जैसे डायमंड है, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें लाइट पड़ने पर चमकना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे लाइट हटा दी हमने वहाँ से, लाइट का सोर्स ऑफ कर दिया, तो वो फिर उसी टाइम बंद हो जाते चमकना। जैसे डायमंड है, अगर डायमंड में रेडिएशन पड़े तो चमकना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे रेडिएशन हटा दिया वहाँ से, लाइट हटा दी, तो वो फिर चमकना बंद कर देता है, ठीक है, वही हमारा फ्लोरेसेंस। अब देखते हैं फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, आपको बताया ट्रिपलेट स्टेट से लौटेगा, ट्रिपलेट स्टेट ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, तो मैं इसको टी बना देता हूँ, ठीक है, टी टू ऐसे मान लेते हैं, ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। अब यहाँ से हमने रेडिएशन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन कैसी है अभी, एंटी क्लॉक वाइज, ये गया ऊपर, और आपको पता है अगर स्पिन एंटी क्लॉक वाइज होगी तो फिर तो वो तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, एच इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो अपनी स्पिन को चेंज कर लेता है, चेंज करने में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा ये, अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, यहाँ गया है, यहाँ कैसा होगा, यहाँ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, तभी तो बोलेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हाफ, यहाँ भी हाफ, तो वन आएगा इस इक्वल टू, तो बोलेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, फिर से वही मॉलिकुलर कोलिजन होंगे, अब क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ लौटेगा, अब यहाँ से यहाँ लौटने में इसको एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इसकी स्पिन कैसी है,
इसकी स्पिन है क्लॉकवाइज, ठीक है। जबकि जब ये ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो वहाँ इसकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। यहाँ पर क्लॉकवाइज वाला तो पहले से है ही, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ये यहाँ से यहाँ आने में स्पिन चेंज करेगा। तो स्पिन चेंज करने में जो टाइम लगता है, स्पिन इसने चेंज कर दी, ठीक है। अब एक एंटी क्लॉकवाइज, अब इसने स्पिन चेंज की, तो जो जो स्पिन चेंज करा है इसमें इसने क्या करा, टाइम लगा दिया, टाइम लग गया इसको स्पिन चेंज करने में ही। इसीलिए जो फॉस्फोरेसेंस है थोड़ा स्लो होता है स्पिन चेंज करने के उससे। अब ये कहाँ से आएगा, यहाँ से तुरंत यहाँ पर रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है। जो एब्जॉर्ब किया था रेडिएशन को इमिट करेगा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है, फॉस्फोरेसेंस। ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपलेट स्टेट। और ये थोड़ा स्लो होता है, कितना बोला मैंने, 10^2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में, ठीक है। और फॉस्फोरेसेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें अगर आप रेडिएशन दो तो चमकना स्टार्ट हो जाते हैं, पर जब लाइट आपने ऑफ कर दी, जब लाइट वहाँ से हटा दी, फिर वो धीरे 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 उनका चमकना बंद होता है, थोड़ा स्लो स्लो चमकना बंद होता है। जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या है, सॉरी, फॉस्फोरेसेंस में धीरे धीरे चमकना बंद होता है, फ्लोरेसेंस में क्या है, फास्ट, जैसे आपने रेडिएशन ऑफ किया तो वो चमकना तुरंत बंद कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारी फ्लोरेसेंस, और ये है फॉस्फोरेसेंस, ठीक है।